जैन दोस्तों देखिए एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। तीन तीन नया अपडेट आ गया दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है ना कि इसका सीट बढ़ा दिया, एक तो सीट बढ़ा दिया और वो भी एमटीएस में, हवलदार में नहीं, जिस पे फिजिकल नहीं है उसी का सीट बढ़ा है। तो ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, इसका अप्लाई करने का डेट बढ़ा दिया है। और तीसरा, इस पे बहुत कम फॉर्म इस बार अप्लाई हुआ है दोस्तों। तो इन तमाम खुशी के बारे में आपको हम ए टू जेड बढ़िया से समझाएंगे, अंत तक देख करके जाइएगा। वैसे स्टूडेंट जो फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं वो भी देखिएगा, और यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा ना तो आप एकदम सोचिए मत, फॉर्म को डालिए। इस बार आपके एमटीएस में सिलेक्शन होने का चांस तो बनता है, इस बार आपको फॉर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यदि बात करेंगे एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, सबसे पहले योग्यता देख लीजिए, 10th पास की वैकेंसी है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट इस पे फॉर्म भर सकते हैं, सिंपल सा मैट्रिक पास है, अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पे परसेंटेज वगैरह का कोई जरूरत नहीं है। अप्लाई करने में केवल ₹100 पैसा लग रहा है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, बाकी एससी एसटी को दोस्तों इस पे कोई भी फॉर्म फिलअप करने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, इनका फ्री में फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए यदि बात करेंगे एज का, उम्र कितना होना चाहिए, तो 18 से 25 साल और 18 से 27 साल, दो तरह का दोस्तों एज लिमिट है। और हाँ, सभी ओबीसी को 3 साल इस पे एज में छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का एज में छूट देखने को मिल रहा है। तो इससे बेहतर नौकरी आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों, तो लास्ट डेट 3 अगस्त 2024 अब हो गया है। पहले दोस्तों इसका अप्लाई डेट बहुत कम था, 31 तारीख तक था, लेकिन अभी 3-4 दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया फॉर्म भरने के लिए। यदि अभी तक आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो 3 अगस्त शाम तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। समझ में आ गया। देखिए सैलरी की बात करेंगे तो 27, 28, 30 ऐसे आपको सैलरी मिलेगा। हर शहर में आपको अलग अलग सैलरी दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस पे रीजन वाइज आपको सैलरी मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में अलग, शहरी क्षेत्र में अलग, तो इस तरह से आपको सैलरी दिया जाएगा। एग्जाम की बात करेंगे दोस्तों तो अक्टूबर नवंबर आते आते इसका परीक्षा भी ले लेगा, ठीक है। अभी एग्जाम डेट क्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा हम आपको क्लियर बताएंगे, ध्यान से अंत तक वीडियो को देखिए। सिलेक्शन प्रोसेस की यदि बात करेंगे तो पहले आपको सीबीटी एग्जाम देना है, फिर आपका फिजिकल होगा, लेकिन केवल हवलदार में आपका फिजिकल होगा। यदि आप हवलदार नहीं देना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, एमटीएस में दो ना, एमटीएस में सीट भी बढ़ गया, उसमें फिजिकल भी नहीं है, सिर्फ एक तो एग्जाम देना है, आपको इस पे जॉब मिल जाएगा। इसके बाद आपका डीवी होगा, प्लस में मेडिकल करके ज्वाइनिंग कर देगा। समझ में आ गया। तो यही सिंपल प्रोसेस है, कहने का मतलब सिंपल, एक तो एग्जाम देना है और आपका इस पे जॉब मिलेगा। यदि बात करेंगे एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस, तो देखिए इस पे 2 सेशन होता है, एक ही दिन एग्जाम होगा, एक तो एग्जाम दीजिए फिर दूसरा एग्जाम होगा, एक ही दिन 2 टाइम आपका एग्जाम होगा, सेशन 1 और सेशन 2, इस पे यही सिस्टम रहता है। सेशन 1 में 20 रीजनिंग पूछेगा, 20 मैथ पूछेगा, टोटल कितना हो गया, 40 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर, तो 120 नंबर हो गया, 4 से 12 120 नंबर हुआ ना। समय इस पे आपको मिलेगा 45 मिनट, 45 मिनट, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, एकदम ध्यान से सुन लीजिए। इस पे आपको ओनली क्वालिफाई करना है, ये सिर्फ पास करने के लिए, ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। मेन आपका काम है उठो सेशन 2, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए, उस एग्जाम को पास करने के लिए आपको इस पे पास करना जरूरी है। यदि आप इस पे फेल हो जाते हैं ना तो आपका इसका रिजल्ट ही नहीं बनाएगा, आप कितनों बढ़िया उस पे बना के आए हैं एग्जाम में कोई मतलब नहीं, उठो खोलेगा भी नहीं यदि इस पे पास नहीं करोगे तो, ठीक है। तो इस पे 30% लाना होगा जनरल वालों को, और 25% ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लाना होगा, और एससी एसटी को 20% इस पे लाना पड़ेगा, ठीक है, पास करने के लिए, तब आप वहां तक पहुंच पाओगे। आपका एग्जाम दोनों ले लेगा लेकिन रिजल्ट उसका नहीं बनाएगा जब तक आप इस पे पास नहीं कीजिएगा, क्लियर है। तो ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। बात करेंगे सेशन 2 का, तो सेशन 2 में जीके करंट अफेयर 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से पूछेगा 25 क्वेश्चन, तो 25-25 कितना हुआ 50 क्वेश्चन, तो टोटल हो गया 150 नंबर, कितना हो गया 150 नंबर का आपका एग्जाम हो गया। समय इस पे भी वही टाइम है 45 मिनट, इस पे भी आपको टाइम मिल रहा है, और नेगेटिव मार्किंग इस पे रहेगा 1/3, 0.33 का नेगेटिव मार्किंग है, 3 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, और फाइनल कट ऑफ दोस्तों इसी पर बनेगा, ठीक ना। तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जीके ज्यादा पढ़ना है, इंग्लिश ज्यादा पढ़ना है, रीजनिंग और मैथ तो सिर्फ पास करना है, इस पे उतना दिमाग नहीं लगाना है, मेन आपको उस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब देखिए सीट की बात करेंगे, पोस्ट कितना था, तो पहले दोस्तों पोस्ट कितना था आपको पता है, पहले टोटल पोस्ट था एसएससी एमटीएस की यदि बात करेंगे
तो पहले इस पे पोस्ट था एसएससी एमटीएस का 4887 वैकेंसी था टोटल एमटीएस का, और एमटीएस और हवलदार मिला के टोटल सीट था 8326, ठीक है। लेकिन अभी क्या किया है दोस्तों कि ये जो एसएससी एमटीएस का 4887 वैकेंसी था ना, इसको सिर्फ बढ़ा करके कर दिया है 6144। कितना कर दिया है? 6144 वैकेंसी कर दिया है सिर्फ एमटीएस का, बाकी हवलदार का उतना ही सीट है। तो एमटीएस का बढ़ गया तो अच्छा बात है ना, उस पे हवलदार में आपको फिजिकल भी देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हवलदार बनना नहीं चाहते, सब एमटीएस में ही ज्यादातर दिमाग लगाता है। तो जो आप चाहते हैं उसी का सीट बढ़ा है, एमटीएस का ही सीट बढ़ा है। नोटिस स्पष्ट आ गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप जाके खुद भी पढ़ सकते हो। देखो 4887 से कर दिया 6144, टोटल कितना बढ़ गया अब देखिए। तो दोस्तों इतना वैकेंसी आपका इंक्रीज हो गया है। हम आपको दोनों नोटिस दिखा देते हैं फोन के स्क्रीन में। तो देखिए दोस्तों, कल के डेट में एसएससी ने दो दो नोटिफिकेशन जारी किया है। सबसे पहले हम आपको डेट बढ़ने वाला नोटिस दिखाते हैं दोस्तों। देखिए ये नोटिस नंबर 1 है, ठीक है। इस पे डेट बढ़ाने का इस पे दिया गया है सारा बात। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट नोटिस। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों वही वैकेंसी के बारे में लिखा है कि एसएससी एमटीएस का ये था, और 31 जुलाई 2024 12-11 बजे रात तक इसका लास्ट डेट था, लेकिन इसको बढ़ा करके अब कर दिया है 3 अगस्त 2024 रात के 11 बजे तक आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ फी पेमेंट का दोस्तों लास्ट डेट जो है ना 4 अगस्त 2024 कर दिया गया है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर देख सकते हैं कि द रिलेवेंट पार्ट्स इन द नोटिस, इसके अलावा बाकी जो पार्ट्स है वो वही का वही रहेगा। मतलब इसका एग्जाम दोस्तों सेम टाइम पे लेगा, ठीक है। मतलब एग्जाम डेट में कोई बदलाव इसका नहीं करने वाला है। आगे देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा है कि द डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 16 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त 2024 तक। यदि आप फॉर्म में कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, यदि फॉर्म में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये डेट है। इसके बाद 3 नंबर में है कि द अदर टर्म्स एंड कंडीक्शन ऑफ द नोटिस डेटेड 27/6/2024 को जब नोटिस आया था, इसका वैकेंसी आया था, उस समय जो था बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। और ये डेट देखिए दोस्तों, अंडर सेक्रेटरी 31 जुलाई 2024 का दोस्तों डेट पर ये नोटिस आया है। तो डेट फाइनली आपका बढ़ गया है, 3 तारीख लास्ट डेट है, 3 अगस्त 2024 इसका लास्ट डेट है, ठीक है। चलिए ये हो गया नोटिस नंबर 1। अब हम आपको नोटिस नंबर 2 दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये है नोटिस नंबर 2, जिस पे दोस्तों सीट बढ़ाने की बात की गई है। यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले यदि बात करेंगे दोस्तों तो देखिए ये वैकेंसी का नाम बताया गया है कि 27 जून से चालू हुआ था और 31 तारीख तक अप्लाई होने वाला था। अभी तो डेट बढ़ गया है। नीचे 2 नंबर पॉइंट में आप देखिए, 2nd नंबर पॉइंट क्या है कि द टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ एमटीएस देखिए मेंशनड इन पारा 2.1, ये नोटिस में बता रहा है कि यहां पर बताया गया था कितना सीट है। द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन में भी रीड एस 6144 इंस्टेड ऑफ 4800 कहता है कि इसकी जगह पे अब इसको पढ़ा जाए, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि पहले 4887 वैकेंसी था एमटीएस का, अब इसको कर दिया कितना, 6144 टोटल सीट कर दिया। तो दोस्तों और हवलदार का सीट उतना ही का उतना ही है। यदि बात करेंगे कि कितना सीट बढ़ा है तो देख सकते हैं, इसको घटाते हैं, 6144 माइनस हो जाएगा आपका 4887। तो देखिए इसको यदि माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 14 में 7 7 और यहाँ पर 13 में 8 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पे इधर से 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 8 2, और यहाँ पे दोस्तों 1 हो जाएगा। यानी 1257 वैकेंसी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है टोटल एसएससी एमटीएस के लिए। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। इसके बाद द अदर कंडीशन एंड टर्म्स जो है बाकी वही का वही रहेगा जब फर्स्ट में नोटिस आया था, बाकी सब चीज़ वही है, लेकिन सीट जो है ना ये बढ़ा दिया गया है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। और देखिए ये नोटिस भी अंडर सेक्रेटरी 31 जुलाई को ये नोटिस जारी किया गया है, तो काफी खुशी की बात है दोस्तों। आप प्रिपरेशन करते रहिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया क्लियर, हमने आपको नोटिस दिखाया एसएससी एमटीएस के बारे में। और भी कोई अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। चैनल को याद करके सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉर्म को एकदम जरूर भरिएगा, इस बार आपके सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा है। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।